ये देख। तो बाकी हिसाब बताओ। मालिक हाँ? हमारे सारे ट्रकों को पुलिस चेक कर रही है। कहाँ पर? चेक पोस्ट पे। कमल ने फोन करके बताया था। तुम अपनी गाड़ी निकालो। हाँ? गाड़ी निकालो। थोड़ी तेज चलाना। जी मैं। देखो खालिद, इतने दिनों बाद भी पुलिस हमारे पीछे लगी है, इसका मतलब पुलिस के हाथ में कोई तो सुराग जरूर लगा है। कुछ दिनों तक सबकी भलाई इसी में ही है कि जगह बदल लो। पर मैं गौरी को अकेला छोड़कर? इस सब का मेरे पास एक रास्ता है। बाबना गांव में एक छोटा सा घर मैं ढूंढ रहा था, जब नीलम्बा थी तब मैंने खरीद दिया था। तुम्हें वहां ढूंढते हुए कोई नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी मेरे बिना वो बच्चे को अकेले लेकर कैसे रहेगी? वहां मेरा एक खास आदमी है जो पहले आर्मी में था, उसी के कारखाने में गौरी के काम का इंतजाम हो जाएगा। क्या बोलते हो? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, निकलते हैं। जाओ अपना सामान बांध लो, जाओ और चलो। हेलो। हाँ साइमन, मैं बोल रहा हूँ। हम लोग रास्ते में हैं। लेट भी हुए तो भी तुम हमसे आके मिलना। हाँ 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 हाँ, वोट वाले से बात की ना? हाँ हाँ हाँ। अरे साइमन। जी मालिक। किसी को बुला के इस जगह की सफाई तो करवाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। मैंने जो बोला याद है ना? अगर कोई पूछे तो कहना पति मुंबई रहता है, यहाँ मैंने सबको यही बोल के रखा है। अब हमें चलना चाहिए। चलो गौरी, डरना मत, बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये लो कुछ पैसे रख लो, जरूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट करना। खालिद कहाँ है? मैंने पूछा खालिद कहाँ है? ये लीजिए पानी।
गौरी, तुम्हारे एक जवाब से कई और सवालों के जवाब मिलेंगे। बोलो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। खालिद कहाँ है? मैंने पूछा खालिद कहाँ है? मेडचन, मेडचन, दीदी एक चाय। हाँ, ये लो चाय। खेती में जो सब्जी आती है उसकी फसल काटकर ये खालिद डिलीवरी देने जाता है साहब। वैनुस की है क्या? हाँ, वैनुस की खुद की है साहब। वो वहीं रहकर काम करता है और गौरी से कोर्ट मैरिज की है, ये जानते हैं। आगे बताओ, तुम रत्नाकर सिनेई के पास कब से काम कर रहे हो? वो क्या है सर, असल में देखा जाए तो इस रत्नाकर सिनेई के पिता के टाइम से ही उनका सारा हिसाब किताब हमारा ही परिवार देखता है। मेरे पिताजी आखिरी समय तक उसका हिसाब किताब देखते थे, अब मैं देखता हूँ। नमस्कार, सब लोग आ चुके हैं भाई। आज तो कुछ भी नहीं मिला, बस दो खरगोश। हाँ, और एक डुक्कर, बस इतना ही। अच्छा, ओ हो 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 हो, हाँ, इनकी किस्मत में ही मौत है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? इधर आ रे, लाइए बड़े बाबू। आज पंचायत? हेलो, मालिक अभी बिजी हैं, कभी नहीं होगी। सुन, हमने कहा ना पंचायत नहीं होगी। लेकिन मैं 1.5 महीने से इंतजार कर रहा हूं। अरे तुझे समझ नहीं आता पंचायत कभी नहीं होगी? तूने इसको समझाया नहीं क्या? समझा दिया है भाई, लेकिन बड़े बाबू। अरे तुझसे कहा ना मैंने पंचायत नहीं होगी, हम इतने काबिल लोग नहीं, इतना समझ लो। जाओ, आइए मालिक, हटो रे। अरे साहब तो इधर ही बैठे। नमस्ते। नमस्ते साहब। क्या हुआ? वो क्या है ना, हमारी जमीन के बगल में फॉरेस्ट की जमीन भी मिली हुई है, ऐसा विलेज ऑफिसर का कहना। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप उसे खरीद लीजिए। ठीक है, खरीद लेंगे। वहाँ तो डुक्कर भी पलट कर नहीं देखेंगे, ऐसी जमीन है वो, हम कुछ ज्यादा खरीदेंगे। बहुत बढ़िया, ज्यादा खरीद। डुक्कर है ना। हाँ। सुधाकर जी भैया, अपने नौकरों को ले जाओ और कल से ही काम शुरू कर दो। हाँ ठीक है, तुम जरा ध्यान रखना। जी मालिक। मालकिन। हाँ। सारा तुम? हाँ, मैं ना अभी मंदिर जाकर आई। मालिक और बेटे के लिए मैंने मन्नत भी मांगी। ये प्रसाद मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। पूजा में तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं मैं देती हूँ। हे भगवान। ये लो, इसे रख लो। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, आप कितने समझदार हैं मालकिन। ये लीजिए। चाचा, खुश तो हो ना? हाँ बेटा। ए,
वो फोटो खींच रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? उधर जाके खड़ा हो। आप इधर आ जाइए। ये लो चाची। सुनो राहुल, अरे नहीं, आप भी दो ना, आ जाओ। अरे मैं क्यों? नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। एक नए पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के लिए आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ मैं। 16 तारीख को शाम को 4 बजे आप आ जाइएगा, मंत्री जी भी आ रहे हैं। अच्छा, मंत्री साहब भी? जी। ठीक है, अब जाइए। तुम कपड़े नहीं ले रही हो क्या? मुझे कपड़े नहीं चाहिए। क्यों? मैं मालिक से कुछ बात करने के लिए आई हूँ। क्या बात है? ए, क्या हो रहा है वहाँ? बोल रही है आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है बताओ। बारिश की वजह से घर की छत टूट गई। हाँ। वो बनाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है मालिक। हाँ। करेंगे, अच्छी तरह मदद करेंगे। समझ गए ना? जी मालिक। चाय क्यों नहीं पी रही? इस वक्त मैं चाय नहीं पीती मैडम। तो फिर बताओ। सच कहूँ तो अनाथ बच्चों की हमेशा मदद करने वाली का नाम है गौरी। और एक बार वेडमपट्टी गांव में जब बाढ़ आई थी उसमें पूरी बस्ती डूब गई थी मैडम। उसका तो पूरा परिवार उसी में उजड़ गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन कहीं वो बाहर गई थी और इसी वजह से वो बच गई। वो बहुत अच्छी इंसान थी मैडम। अनाथाश्रम में वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अच्छे से उनकी देखभाल भी किया करती थी। गौरी के लिए श्रीदेवी उसकी बेटी जैसी थी। श्रीदेवी, अब तुम 10वीं में पढ़ रही हो, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। इसका मतलब रत्नाकर सेनई ने आश्रम के लिए जगह दी और लोगों की सहायता भी की। बहुत अच्छा इंसान है वो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, वो लोगों की भलाई तो करता है लेकिन कभी कभी आश्रम भी जाया करता था। उसका वहां जाना ही सारी समस्या की जड़ थी। देखिए आप सब लोग तो जानते ही हैं, आज खुशी मनाने का दिन है। हमारे मालिक हम सबके लिए मिठाई लाए हैं जो वो बांटेंगे। सही कहा। हाँ। हाँ, ये लो, अंदर लेकर जाओ। हाँ ठीक। हाँ, ले जाओ। जाओ। आ जाओ बेटा। आ जाओ। अब ले लो ना श्रीदेवी। अभी अभी एडमिशन हुआ है, एक हादसे में अपना परिवार खो चुकी है ये। स्वीट गर्ल। आओ 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 सब आओ। आओ मुझे भी दीजिए। अरे कहाँ गए थे तुम दोनों? हम लोग एंथनी चर्च गए थे, मालिक की माताजी का जन्मदिन है ना। काफी दिनों से बोल रही थी कि माँ के नाम पे पूजा करनी है, पूजा करनी है, इस बार करा ही दिया। जितने पैसे खर्च हुए हैं मुझे बता देना। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। ये लो, इसमें क्या है, लड्डू है। चलो अब अंदर चलते हैं। अरे सारे खुद मत खा लेना, मेरे लिए भी रख दो। ठीक है रख दूं। वैसे आप लोगों को जो भी जरूरत हो आप सुधाकर को बता सकते हो। अरे बोलो, इन सबको हो जाएगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन है जो यहाँ ऐसे अकड़ के खड़ा है? अकड़ू ही है, ऐसा ही सुना। आप आइए ना, बैठिए। चलिए ना। हाँ।
तुम्हारे कहने के मुताबिक सेनई काफी अच्छा इंसान था, है ना? ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन खालिद और मालिक का 36 का आंकड़ा था। अरे थोड़ा उधर जाओ, पानी के बीच में जाना पड़ेगा, जाओ जल्दी। अरे जल्दी आओ। यहाँ पर जो लिखा है ना, क्या हो रहा है साहब यहाँ पे? सर्वे। वो तो पहले ही हो चुका था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्वे। अरे देखो, आप लोगों को जो चाहिए वो सेनाई मालिक देंगे, बस आप लोगों को हाँ में हाँ मिलानी है। इतना करना है कि वो जहाँ बोले वहाँ पर साइन कर देना। यहाँ साइन करने वाला कोई नहीं है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मैं तो टांग अड़ाऊंगा ही, इन गरीबों का खून मत चूसो। इन्हें जो चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, वो सब सरकार देगी। कभी भी ये सेनाई सरकार नहीं बन सकता। सही कहा ना ऑफिसर? साइन करवा दो। कोई साइन नहीं करेगा। इसे रोकने वाला तू कौन होता है? मैं तेरी तो यहाँ का नागरिक हूँ मैं। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। हम लोग सब समझ गए, हमें जो देना होगा सरकार देगी। अरे लक्ष्मी, तुम्हारी छत के बारे में मैंने मालिक को बताया? मुझे छत की जरूरत नहीं। वो अच्छे काम करता है ये तो ठीक है, लेकिन वो आदमी सही नहीं है। वो जो कर रहा है उसके पीछे कोई वजह है। पापी लोग अपने पाप को धोने के लिए इस तरह का काम जरूर करते हैं। अपने पाप धोने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसा जमाना आ गया है। देखो खालिद, भले ही रत्नाकर से नहीं गलत है, लेकिन हमें क्या करना है उससे? उसे जो भी करना है उसे करने दो, लोगों का फायदा होता है तो होने दो। सब बकवास कर रहे हैं। अरे भाई तुम बनाओ ना, डालो ना थोड़ा। सर, सर मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ सर। हाँ ओके, कीप ट्रैकिंग हिम। ओके सर। जरूरत पड़ी तो फिर से बुला सकता हूँ। अभी कुछ सवालों के जवाब बाकी है। सुनो भाई, सुबह सुबह समुंदर में लहर ज्यादा है क्या? अरे बहुत बढ़िया लहर है, सुबह की बात ही कुछ और है। चलो शुरू करो। तुम चलो पूजा करो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अरे हाँ, सारी सेटिंग हो चुकी है, आ जाइए। दिखाई नहीं दे रही। अरे यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी वो? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। ठीक है चलो गाड़ी में। एक मिनट आती हूँ। श्रीदेवी, श्रीदेवी, बेटी श्रीदेवी। श्रीदेवी, माय श्रीदेवी, वाह, आजा आजा। नहीं। ए, आओ ना। अरे आओ, क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, आ जा। अरे कुछ नहीं होगा। ए, मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो। कुछ नहीं होगा। अरे मान लो मेरी बात। कहा ना, क्या कर रही हो? सादा नखरे मत दिखाओ। वो तो ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। Oh,
जल्दी चलो गाड़ी में, गाड़ी में बैठो, चलो। करो, देरी हो रही है। अरे बंद तो करने दो। लो आ गए, ये भी अच्छे समय पे आए हैं। अचानक इस समय खालिद, कोई बात है क्या? दरअसल वो रत्नाकर सेनई ने श्री देवी से जबरदस्ती की, तभी गौरी के हाथ में एक कंदील आ गया जिसे उसने उसके सिर पर मार दिया। क्या कहा? लगता है वो मर चुका है। देखो भाई, इसे हम यहां छोड़कर जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना भाई। देखो बेटी, अगर कभी पुलिस यहां आती है और तुमसे कुछ पूछताछ करती है तो कुछ बताना मत, हम जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे। हाँ, हम चलते हैं। चुप हो जा, चुप हो जा, मत रो। डरो मत गौरी, हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? कुछ रास्ता निकलेगा ही, सब कुछ ठीक होने दो, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हौसला रखो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इससे पूछ लो, ऑर्फनेज में दिन रात यही काम करता है। हाँ सर, जब ये घटना हुई तुम कहाँ थे? सर मैं तो गांव के बाहर जो मंदिर है ना, वहाँ मेला लगा हुआ था, तो मैं उसी मेले में था सर। खालिद कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। और गौरी? उसका भी नहीं पता। तुम लोग जाकर अंदर देखो। ठीक है सर। तुम कहाँ काम करती हो? यहाँ बगल के गांव में। कोई नहीं है सर। पूछताछ के लिए जब भी बुलाया जाए आ जाना, समझी?
बहुत बड़ा समाज सेवक बन गया है ना। अरे अरे छोड़िए, खालिद कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। देख मुझे पता है, तुझे मालूम है वो कहाँ है? मैंने कहा ना छोटे मालिक, मैं कुछ नहीं जानता। सुबह होने से पहले मुझे पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ है। सुनो, इस पर जरा नजर रखो। चलो चलते हैं। खालिद की मदद मैं क्यों करूंगा साहब? ऐसा क्या रिश्ता है आपके और खालिद के बीच में? वो और मैं बचपन से एक साथ खेले कूदे पले बड़े। जब उसकी माँ मर गई तो वो मेरे साथ रहने लगा। मेरा बेटा जिस दिन जाने वाला था उसी दिन वो एक गाड़ी से टकरा गया। ये एक इत्तेफाक था और मेरा बेटा उसी वार्ड में था। उस दिन उसे बचाने के लिए खालिद ने ही मेरा साथ दिया था। हाँ। वो सब रहने दो, खालिद को बुलाओ। वैसे तुम सरकार के खिलाफ झूठी गवाही का अंजाम जानते हो ना? क्या बोल रहे हो साहब? नहीं समझे? खिलाफ ही सही, पर सरकारी मामला हो या सामाजिक मुद्दा, अगर जरूरत है तो हम आवाज उठाएंगे। खाली हाथ बैठकर ये जिंदगी नहीं जिए साहब। ये जो खेल है इसमें अगर हमें किसी का सामना भी करना पड़े ना तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या तुमने उसकी हेल्प की ये जानते हुए भी कि खूनी है? तुमने उसकी मदद की? कोई खून करके आए तो उसे छुपा कर रखना नेक काम है क्या? बोलो, क्या यही देशभक्ति है? हाँ बताओ, सच बताओ क्या हुआ था? मैं खालिद और गौरी को लेकर थोड़ी दूर पर अपने बिरादरी वालों के घर ले गया था। उसको ड्राइविंग के काम पर भी लगाया और खालिद ने वहां काम भी किया। उन्हें ठहरने के लिए एक घर का इंतजाम भी करके दिया और वहीं पर गौरी गर्भवती हुई और फिर वहां पर उन्हें एक बच्ची हुई। बताओ मालिक। हाँ? हमारे सारे ट्रकों को पुलिस चेक कर रही है। कहाँ पर? चेक पोस्ट पे। कमल ने फोन करके बताया था। तुम अपनी गाड़ी निकालो। हाँ? गाड़ी निकालो। थोड़ी तेज चलाना। जी मालिक। देखो खालिद, इतने दिनों बाद भी पुलिस हमारे पीछे लगी है, इसका मतलब पुलिस के हाथ में कोई तो सुराग जरूर लगा है। कुछ दिनों तक सबकी भलाई इसी में ही है कि जगह बदल लो। पर मैं गौरी को अकेला छोड़कर? इस सब का मेरे पास एक रास्ता है। बाबना गांव में एक छोटा सा घर मैं ढूंढ रहा था। जब नीलम्बा थी तब मैंने खरीद दिया था। तुम्हें वहां ढूंढते हुए कोई नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी मेरे बिना वो बच्चे को अकेले लेकर कैसे रहेगी? वहाँ मेरा एक खास आदमी है जो पहले आर्मी में था, उसी के कारखाने में गौरी के काम का इंतजाम हो जाएगा। क्या बोलते हो? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, निकलते हैं। जाओ अपना सामान बांध लो, जाओ और चलो। हेलो। हाँ साइमन, मैं बोल रहा हूँ। हम लोग रास्ते में हैं। लेट भी हुए तो भी तुम हमसे आके मिलना। हाँ 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 बोट वाले से बात की ना? हाँ हाँ हाँ।
अरे साइमन जी मालिक, किसी को बुला के इस जगह की सफाई तो करवाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। गौरी, मैंने जो बोला याद है ना, अगर कोई पूछे तो कहना पति मुंबई रहता है, यहाँ मैंने सबको यही बोल के रखा है। अब हमें चलना चाहिए, चलो। गौरी डरना मत, बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये लो कुछ पैसे रख लो, जरूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट करना। नाव से रवाना तो हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पानी में डूब गया। अफसोस है। बात को बहुत दिन हो चुके हैं। आप जो जगह बता रहे हैं लेटन बुलन गांव में है, खारी जमीन है। उसका सर्वे नंबर है 126/16। उस मासन नायर की बेटी है और दामोदर नाम के आदमी की बीवी लीला, उम्र 57। बाकी कुल मिलाकर इनके ही नाम पर है वो जगह जो आप बता रही हैं। बाद में पेपर में कोई बदलाव तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। जल्द से जल्द उस जगह की सारी डिटेल पुलिस को सौंप दो आप। जी जरूर। नमस्ते साहब। hey, वहां जाके खड़ा हो। बस ऐसे ही किया था। गुड मॉर्निंग सर। वो कारखाना तुम ही चलाते हो? हाँ, उसका फौजी से क्या रिश्ता है? फौजी भी मैं ही हूँ सर। मैं कुछ साल फौज में था, इसीलिए यहाँ के लोग मुझे आर्मी नाम से बुलाते हैं। सर इसी गांव में मेरा घर है। रिटायर होने के बाद मैं कारखाना चलाने लगा। अब तो 3 औरतें भी काम पर लग गई, उनकी लड़की भी है। मेरी बात सुनो। हाँ सर, तुमसे जो सवाल कर रहे हैं बस उतना ही जवाब दो। ओ अच्छा। हाँ। ये बताओ कि गौरी तुम्हारे पास कब से काम कर रही है? गौरी हमारे कारखाने में, उसे 3 साल हो गए हैं, ये पता है हमें, शुरू से बताओ। अब 3 साल पहले की, अगर 3 साल पहले से शुरू करूं तो गौरी को मेरे रस्सी के कारखाने में काम पर लगाने के लिए दामोदर भाई लेकर आए थे। तब मैं आर्मी से रिटर्न आया भी नहीं था। उस समय मैंने अपने कारखाने को चलाने के लिए दूसरे को दिया हुआ था। पहले वो मेरे भाई रवि के पास काम करती थी। रवि का कपड़े सिलाई का कारखाना था, लेकिन बाद में किसी कारण से वो कारखाना बंद हो गया। वापस आने के बाद मैंने अपनी रस्सी का कारखाना अपने हाथ में लिया और गौरी को काम पर रख लिया। 3 साल पहले जहां तक मुझे याद है बस ऐसा ही हुआ था।
अरे उमा, तुम्हारे लोन का क्या हुआ? क्या बोले बैंक वाले? अरे अब मैं क्या बोलूं दीदी, हर दिन कुछ अलग ही बोलते हैं, परेशान कर दिया है। कभी ये पेपर ले आओ, कभी वो पेपर ले आओ। एक छोटे से लोन के लिए इतने सारे सवाल, बाप रे। हम जैसे लोगों को कौन लोन देगा? ऐसे लोगों को लोन मिलता है जो उनको चूना लगाकर भाग जाते हैं। सही कहा, कल के अखबार में लिखा था एक आदमी 3,000 करोड़ लोन लेके भाग गया। 3,000 करोड़? चाची जरा इसे संभालिए ना। हाँ, मुझे जरा काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। बेटा कोई कविता आती है? आती है तो सुनाओ। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पे झूल रही है। अरे उसके हाथ से रस्सी तो लो। अरे गौरी बिटिया कहाँ है? वहाँ चाची के पास छोड़कर आई। कहाँ? काली। अच्छा, सही किया। वैसे तुम रहती कहाँ हो? बगल में जो बस्ती है ना, वहीं पर। देखो हम हाथ से इसे कैसे घुमाते हैं, सीख लो, तुम्हें भी इस पे ही काम करना है। गौरी तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। पकड़ो। हाँ हाँ, आराम से चलाना। लद्दाख, लद्दाख बोलते हैं उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ऐसा क्या लद्दाख में? अरे वहाँ पहाड़ है। अच्छा? बहुत सारे पेड़ हैं। ओहो। और भी बहुत कुछ है भाई। ओहो। मैंने वहीं पर अपनी आंखों से मौत को भी देखा था। हाँ। दीदी सुनो, इसने मौत को भी देखा बस है। ऐसे फेंकता रहता है। आधी रात का वक्त था। हाँ। मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलकर आ रहा था तो रास्ते में। क्या बचपन का दोस्त? अरे तुम्हें क्या लगता है, जब मैं इस वक्त इतना सुंदर दिखता हूँ तो पहले कैसा दिखता होऊंगा? अरे खुद भी सोच लिया करो। सुनो, हमारे आर्मी के ग्रुप का एक नाम भी था। क्या था? अरे राज कपूर ग्रुप। राज कपूर की फिल्म बहुत देखते थे क्या? अरे मालती, सब खाना खत्म हो गया क्या? हाँ मालिक। बाकी कहानी मैं रात को 2 पैग मारने के बाद विस्तार से बताऊंगा। गौरी अभी नहीं आई है। वैसे तुम्हारे पति मुंबई में है ना? वहाँ वो करता क्या है? फल की दुकान है। हाँ, फिर वो बांद्रा में होगा। बांद्रा में मुझे वहाँ की हर जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। मामा को गाना गाकर सुनाओ। अरे क्या कर रहे हो, सामान ठीक से रखो। हाँ, मामा नहीं है, फेकू मामा। अरे जल्दी आओ। आता हूँ आता हूँ। कभी मामा कभी दादा। फौज में थे ये झूठ है ना? अरे नहीं नहीं साहब। तो वॉचमैन थे क्या? ये दिखता भी वैसा ही है। सर अब मैं आपको खुल कर बताता हूँ, मैं बांगुड़ मिलिट्री कैंप में था। वो क्या है ना साहब, पहले मैं कैंप के सामने मछली मटन घी में अच्छी तरह पकाकर होटल चलाता था। मेरा खाना एक मिलिट्री वाले को बहुत अच्छा लगा और वो मेजर के पास ले जाकर मुझे कुक बना दिया। देखो, सर जो पूछ रहे हैं सिर्फ उतना ही जवाब दो। इसके साथ में एक और आदमी था ना? हाँ उमेश। बुलाओ उसे। ओके सर। तुम कम्युनिस्ट हो क्या? अरे नहीं सर, आप बोलोगे तो मैं बन जाऊंगा। ए सुनो, साहब बुला रहे हैं, अंदर चलो। जी चलता हूँ। नमस्ते, नमस्ते। चलो वहाँ खड़े हो जाओ। जी सर। तुम्हारा ही नाम उमेश है क्या? जी मैडम। इस आदमी को तुम कब से जानते हो? इसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? 5 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ मैं, एकदम परछाई की तरह। ये नहीं थे तो सब कुछ मैं ही देखता था। इन्होंने कभी मुझे पराया नहीं समझा, मुझे अपने भाई की तरह प्यार करते हैं ये। लेकिन औरतों को देखते ही थोड़ा बहक जाते हैं। मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन आदत से मजबूर है ये। मैंने कहा कि सारा स्टाफ शादीशुदा है लेकिन झपट्टा मारना छोड़ते नहीं है। अरे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो, फालतू बकबक क्यों कर रहे हो तुम? फालतू क्या, सब सच है। सुनो, उसे बोलने दो, आगे बोलो। इनको मैंने विनीता और विमला से मेलजोल ना बढ़ाने के लिए समझाया। उनके भाइयों ने जब आकर इनको कूटा था तो मैंने ही बचाया था इनको। विनीता, विमला, वैशाली, सारे नाम वी से ही शुरू हो रहे हैं। सर वी फॉर विक्ट्री है ना सर। अरे साहब वी से कोई मतलब नहीं है, ए टू जेड कोई भी चलेगी, बस औरत होनी चाहिए। तू बाहर तो मिल, चाय पिलाएंगे क्या? हाँ, और कोई बात तो नहीं है? कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दो। हाँ होटल वाले मेजर तुम। हाँ? जाओ सर। कभी बुलाऊं तो? जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा सर। हाँ साहब, मैं भी निकलूं। हम्म।
इसे देखिए, इस आदमी को जानते हैं क्या? जमानत पे बाहर आया पर अभी तक दिखा नहीं। बहुत बड़ा अपराधी है ये। मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। सर, जो भी पैरोल पर जाते हैं वो लोग हर हाल में हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। कुछ लोग जेल लौट आते हैं और कुछ भाग जाते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। खालिद की तहकीकात की तो पता चला कि जिसके खून का इल्जाम उस पर है वो वैराट गांव का कोई बहुत ही बुरा और जल्लाद आदमी था। उसके खून का बदला लेने के लिए उस आदमी का बेटा भी खालिद का इंतजार कर रहा था। फिर खालिद के बारे में मुझे जब पता चला कि जिसने उसका नाम पैरोल के लिए रिकमेंड किया था उनका नाम था रामानुज, बहुत बड़े वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपने सेशन कोर्ट तक जो भी बड़े बड़े केस आते हैं उन्हें हैंडल वही करते हैं, रामानुज सर। खालिद के पैरोल की पिटीशन विद्यानंद रामानुज ने ही दी थी। कुछ तो गड़बड़ है ऐसा मुझे लगा था। जब मैंने इस बारे में पता किया तो पता चला कि राहुल सिन्हाई ने उसे मारने के लिए छुड़ाया। ये सब मेरा अनुमान ही है। वैसे कुछ भी हो, खालिद आत्महत्या नहीं करेगा, ये यकीन है मुझे। यहां साइन कर दो। धन्यवाद साहब। एनकासी से निकलकर जब मैं यात्रा पर गया था तो अखबार में कुछ शब्द और छोटा सा फोटो देखा। जो लोग पैरोल पर बाहर आते हैं उनके नाम की लिस्ट उस अखबार में छपती है। मैं वहां फौरन पहुंच गया था लेकिन उससे पहले मामला हाथ से पूरी तरह निकल गया। सोचा ये वो नहीं होगा लेकिन उसके अलावा कौन हो सकता था। गौरी, तुम और तुम्हारी बच्ची जब तक चाहे यहां रह सकते हो। वो मेरे अपने खून जैसा था, एक सगे भाई की तरह था मेरे लिए। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। इस बच्ची को लेकर अब अकेले ही जीना है ना, इसके बारे में किसी को बताना मत। वक्त सभी के लिए अपने अलग अलग फैसले सुनाता है।
पर एक बात है, उसके नाम मिलने से हम सब बच गए हैं। मैसेज देखकर भी जवाब नहीं दिया। तू क्या देख रहा है? चल काम कर। इस साल तो तुम्हारे पति बॉम्बे से आ रहे हैं ना? मेरे पिताजी आएंगे। अच्छा, आएंगे। और सुनो गौरी, तुम्हें भी हम लोग रोज के जमा भत्ते में शामिल कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे, तुम्हारी पगार में से सिर्फ 50 रुपए ही तो जमा करने हैं। जरूरत पड़ने पे पैसे काम आते हैं। अगर किसी का उधार हुआ तो भी चुका सकते है ना? मेरी बात मानो तुम। हो गया, गौरी जल्दी आकर पगार ले लो। जाओ, जाकर पैसा ले लो। यहाँ पे। हाँ, उन्होंने जो भी कहा वो सही है। कभी कभी इसी तरह जमा किए हुए पैसे काम आ जाते हैं, मुझे इसका तजुर्बा है। वैसे मुझे पेंशन मिलती है, इसीलिए मैं ये सब नहीं करता। ये मुझे दोगी क्या? ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पेंशन की बात आई तभी मैं मिलिट्री का काम छोड़कर आया। उन्हीं पैसों से मैं रम की बोतल खरीदता हूँ। जब तक खरीदते रहेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। जब तक मैं मिलिट्री में काम करता था, हर रोज बिना पानी मिलाए रम गड़गड़ 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 करके पीता था। अच्छा? ना तो मेरी जीभ कभी लड़खड़ाती थी और ना ही कभी पैर लड़खड़ाते थे। अच्छा? उसके बाद मैं कच्चा अंडा फोड़ कर खा जाता। वो किस लिए? कच्चा अंडा जैसे ही अंदर जाता था, मुझे लगता था पाकिस्तानी फौजी मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उन्हें एक ही बार में उड़ा दूंगा। अब मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। वो किस लिए? आपको घर पहुँचाने के लिए? नहीं नहीं, क्या बोलता है, वो रहेगा तो पूरी बोतल पीऊंगा। पीने के बाद ना झूमूंगा ना हिलूंगा, एकदम स्टडी रहूंगा, एकदम कड़क। उसके बाद लोग मेरा नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? गब्बर सिंह बोलेंगे। वो तो आप जीवन में नहीं बन सकते। आज तक गोलियां देखी हैं आपने? तुझे दिखाऊं क्या? शक करता है मुझ पे? नहीं नहीं, शक नहीं। चल जा, जब देखो फालतू बात करता है। असली गोली देखने तो फट के हाथ में आ जाएगी। पूनम कब है माँ? इस महीने के आखिर में। इस बार तो पिताजी आएंगे ना? शायद आएंगे बेटा। हमारा कोई अपना नहीं है क्या? हम दोनों को चाहने वाला कोई नहीं है। चाहने वाला मतलब? मेरा मतलब जो हम दोनों की फिक्र करे, हमारे बारे में सोचे, वो तो भगवान के पास चला गया। इसलिए अब सोचाओ, रात बहुत हो गई है। चलो। पिताजी कैसे आएंगे? पिताजी कैसे आएंगे बोलो ना। पिताजी ना अपनी जो पुरानी गाड़ी है ना, उसे लेकर यहाँ पर आएंगे और एक ना एक दिन तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब चलो जल्दी से सो जाओ, आंखें बंद करो, बहुत देर हो गई है। हाँ, सो जाओ। पिताजी? हाँ। कहाँ? वो पानी में तैर के आए हैं। चलो ना माँ, चलो ना जल्दी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे तो चुप करना। बुलाओ ना उनको।
इससे पूछ लीजिए। हाँ। मैं आपको याद नहीं हूँ क्या? मैं आपकी बेटी पारो हूँ पिताजी। हाँ। आपको दर्द हो रहा है? पारो बेटी। हाँ मामा जी। कौन है आप और यहाँ किस लिए आए हैं? घबराइए मत, चलने लायक हो जाऊंगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। मणि मामा। हाँ बोलो बेटी। मेरे पिताजी आ गए मुंबई से। कब आए? आज सुबह आए हैं। क्या लेकर आए हैं तुम्हारे लिए? ठीक है बाद में बताना। हाँ पिताजी, मणि मामा ने पूछा है आप मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। पिताजी का सारा सामान पानी में डूब गया बेटा। पिताजी तुम्हें हर चीज खरीद के देंगे, ठीक है? वैसे तुम्हारा स्कूल नहीं आज? माँ मुझे स्कूल ही नहीं भेजती। यहाँ पास में कोई अच्छा स्कूल नहीं है ना, इसीलिए। बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उन्हें स्कूल न भेजकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। पारो आ जाओ, चलो। माँ पिताजी मेरे साथ चल। क्या देख रही है? चल क्या हुआ इस वक्त इतनी तैयारी के साथ कहाँ जा रहे हो? अरे यार क्या बताऊँ तुम्हें, क्या हो गया? रात को समुद्र में एक नाव डूब गई। क्या बोल रहे हो? पता नहीं कहाँ की नाव थी, इसीलिए देखने जा रहे हैं। फोन करता हूँ तुम्हें वहाँ पहुँच के। बताता हूँ। जाओ जाओ। बेटा पारो, पिताजी आए हैं क्या? मड़ी ने देखा ना, उसी ने बताया। अब तो तुम्हारे साथ रहेंगे ना? हाँ दीदी। कितनी खुश है देखो तो सही। जानते हो वो एक पाकिस्तानी था, हमारा खूंखार दुश्मन। हाँ। पर मैं भी पुराना खिलाड़ी हूँ। अच्छा? मैं एक ताला लेकर गया था, चाबी वाला। हाँ, रस्सी से बांध कर उस पर ताला लगा दिया। फिर तो आर्मी वालों ने कोई नाम भी रखा होगा। दारा सिंह, दारा सिंह कहकर बुलाते थे। तो इसीलिए आप फूल कर कुप्पा हो गए। गौरी गौरी, मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारा पति मुंबई से आया है। इस साल वो त्योहार अपनी गौरी के साथ ही मनाएगा। अरे अच्छी तरह से मनाओ। अच्छा है, घर में खीर वीर बनाओ और अगर थोड़ी खीर बच जाए तो मुझे भी खिलाओ। हाँ मैं शाम को आऊंगा तुम्हारे पति से मिलने के लिए। अरे रे रे, इसकी चाल तो देखो, अब तो ये दिखाई भी नहीं देती। इसकी चाल से मेरी जान निकलती है। संभल कर रहना, उसका आदमी घर में ही है। साइज देखा है उसका? आप जैसे बोल रहे हो काम आएगा आपने। अरे साइज मायने नहीं रखता, इंसान का काम मायने रखता है। काम तो मैं भी करता हूँ आपके साथ। चुपचाप चलो। चल तो रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक। मैं जनार्दन ग्रुप से हूँ, रिटायर्ड सूबेदार मेजर। मैं इनके साथ ही चिपका रहता हूँ, मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकते। उमेश नाम है मेरा। जब सुना कि पारू के पिताजी आए हैं तो सोचा कि चलो चलकर मिल लेते हैं। ये केरला की देशी दारू है, एकदम पक्का माल। मुंबई में नहीं मिलेगी, आपके लिए लाए हैं। हाँ मेजर साहब, मैं शराब नहीं पीता। अरे रे रे, थोड़ी सी पियो, टेस्ट करो। ये ढक्कन? अरे ये हाथ से बनाई हुई है। कोई बात नहीं। अरे जब ये नहीं पीते तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे वो तो मैं बस ऐसे ही जान पहचान करने आया था, दूसरी कोई बात नहीं है। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते। चलो भाई चुपचाप चलो। ए सुन,
अब हम लोग इस बोतल का क्या करें? करेंगे क्या? पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तू गाएगा, नाचेगा और मैं तुझे लात मारूंगा। मार दो साहब, लेकिन नाचने तो दो। बड़ा आया नाचने गाने वाला। पारो। हाँ। यहाँ से ऐसे इस तरह। पारो। इस तरफ से पकड़ना। और पारो, चल हमें जाना है। क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। मैंने कहा ना हमें जाना है। चल चल ना, कहा ना मैंने, आने के लिए कह रही हूँ ना। अरे रहने दीजिए ना, मैं संभाल लूंगा। नहीं, इसका यह रहना ठीक नहीं है। आप डरिए मत, मैं इसके साथ हूँ। पारो, पानी में बिल्कुल मत जाना। हाँ सुनिए, शाम को लौटते वक्त अखबार ले आएंगी। आराम से खींचना, इस तरह से। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ये तो खाली है। Hey, क्या इसमें सब गड़बड़ लग रहा है? हिसाब है, ऊपर नीचे तो होता ही है साहब। अरे यार मेरा दिमाग मत खा। इसके हिसाब से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, ना तुमने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया, और इसके बाद भी। ए गौरी मान गया मैं तेरे पति को। hey, आज के जमाने में भला ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो बिल्कुल भी दारू नहीं पीता हो। बहुत अच्छा इंसान है वो। दोस्ती ना भी हुई तो आते जाते उससे हिंदी सीख ही लूंगा। गौरी इनको कभी दरवाजे पे फटकने मत देना, हिंदी के बहाने उसे पीना सिखा देंगे, मुसीबत तुम्हारी बढ़ जाएगी। देखता। ये हो गए 99। हाँ, 100। रस्सी के कारखाने में खून। एक रस्सी के कारखाने में लड़की से मालिक ने गलत बर्ताव किया तो वो खबर छोड़, कोई दूसरी खबर नहीं पढ़ सकता। केरल में बच्चियों को अगवा करने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। एक चौंकाने वाला मामला प्रदेश में सामने आया है कि भिखारियों का एक बहुत बड़ा गैंग बच्चों को अगवा करके उन्हें भीख मांगने के लिए लगा देता है। hey, अखबार में कोई अच्छी खबर नहीं है? ऐसा तो नहीं कि तू मन से ही बोले जा रहा है? अब यहाँ जो छपा है वही पढ़ रहा हूँ मैं। तुझे ऐसी ही खबरें दिखती है। मेरी क्या गलती है? बेटी तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, तबीयत ठीक है ना? अरे आप लोग इतना भी नहीं समझती। चिंता करने की जरूरत नहीं, भले ही ये यहाँ पर है लेकिन इसका मन वहाँ घर पर है। इसका पति बहुत दिनों बाद आया है ना, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा। सर क्या मैं जरा घर होकर आ जाऊँ? तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे तुम घर चली जाओ, जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम्हें पता नहीं है इसका पति बाहुबली जैसा है, इसे तो भगवान ही बचा। बेचारी फूल सी गौरी, रात को तुझे फोन करूंगा, उठा लेना। सठिया गया है बुढ़ा। लाओ दीदी। हाँ, देती। ऐसे ये ऐसे और ऐसे। हाँ ये ठीक है। हाँ बढ़िया। देखो मामा, पिताजी ने स्लेट खरीद के दिया है। नाव में एक आदमी बेच रहा था, स्लेट और चौक ले लिया। पॉकेट में एक गीला नोट पड़ा था, उसे सुखा के दे दिया। कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई बंद मत करना।
कौन हैं? आपका नाम क्या है और यहाँ क्यों आए हैं? नाम भूल गई क्या? पारो का पिता। डरो मत, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आया हूं। जैसे आया हूं वैसे ही चला भी जाऊंगा। हो सकता है कल ही चला जाऊं। वैसे एक बात पूछूं, ये पारो के पिताजी? पारो कभी अपने पिताजी से नहीं मिली है, वो मुंबई में है। लो, अब खुद लिखो। माँ देखो, मैंने ई पढ़ना सीख लिया। समझदार बच्ची है, सुबह सुबह स्लेट लेकर आ गई। पारो चल, आज पिताजी के साथ ही रहूंगी। इन्होंने कहा है कि आज ये मुझे ABCD लिखना सिखाएंगे। इस रस्सी के काम में कितनी दिहाड़ी मिलती है? 50 रुपए खर्च करने के बाद भी 150 रुपए बच जाते हैं। खाना बनाकर रसोई में रख दिया है, खा लीजिएगा। हाँ। पारो, मैं जाती हूँ। हाँ? अच्छी तरह से लिखो। हाँ? जरा दिखाओ। ऐसे ऐसे लिखना है। अरे सुनो भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ इस तरह के रस्सी के कारखाने कई सारे हैं। हाँ। अगर मुझे टाइम पर डिलीवरी नहीं मिली तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर नहीं दूंगा। बाद में कोई बहाना मत बनाना, ये बात मैं साफ साफ कह देता हूँ। अरे सर, मैंने जुबान दे दी तो बस दे दी। मानता हूँ बारिश और बाढ़ की वजह से जनवरी में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इस बार मैं समय पर ही दे दूंगा। आपको कमीशन का चेक मिल जाएगा, पैसे दिलवा दीजिए, बहुत तकलीफ है। तुम चेक और कमीशन की बात करके मेरी जुबान पर ताला लगा देते हो। ठीक है भाई, मिल जाएगा। चलता हूँ। बहुत टेढ़ा आदमी है ये। अरे नहीं, ये तो बस खाली दिखावा है। इस दाम में इस आदमी को और कहां मिलेगा? लेकिन हमारा समय ही खराब चल रहा है। मुझसे बोलकर क्या फायदा? इन औरतों से ठीक से काम लीजिए ना आप। हेलो, तुम शीला बोल रही हो ना? ये लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे पहले क्या मुसीबत कम थी? हेलो, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बुलाता हूँ। ऑमलेट, चॉकलेट, ऑमलेट, चॉकलेट। माँ, मैंने पिताजी को ये खेल सिखाया है। नहीं बस ऐसे अच्छा ही किया है ना? बेटिया आप तुम खेलो। अरे अरे, वो पत्थर। अच्छा, ये लो। पकड़ो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं ना? मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं होता। पारो, उसे रख दो, हाथ कट जाएगा। नहीं। बात नहीं सुनती। पारो, पारो यहाँ आओ। पिताजी बुला रहे हैं। क्या है पिता?
पिताजी। आओ बेटी। क्या है पिताजी? मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ। कहाँ जाएंगे? अरे पिताजी को काम पर जाना है। नहीं मत जाइए ना। जल्दी वापस आ जाऊंगा। मत जाइए ना पिताजी, नहीं जाइए। नहीं जाने ना, वापस आ जाऊंगा। पारो, नहीं जाने दो बेटा, उन्हें काम पर जाना है। यहाँ छोड़ो बेटा, रो मत, मैं आ जाऊंगा। पारो, जरा पकड़ो इसे। मत जाइए ना पिताजी। पारो मेरी बात सुनो, यहाँ बेटा। छोड़ो बेटी, जाने दो, समझा करो। पारो, पारो को जाना पड़ेगा बेटी। वो जल्दी आ जाएंगे बेटा, छोड़ो ना बेटा। मैं आ जाऊंगा वापस। अरे पारो, क्या हो गया इसे? पारो, पारो, जरा पानी लेकर आइए, मैं इसे संभालूंगा, आप जाइए। पारो, पारो आंख खोलो बेटी, पारो बेटी। कुछ नहीं होगा। हाँ। पारो, पारो आंख खोलो बेटा। पारो बेटी, पिताजी मैं चाहिए ना। नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लगता है इसे बुखार है। नहीं जाएंगे ना पिताजी। घर में कोई दवाई है क्या? हाँ। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहा ना पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, लो दवाई ले लो। वाह अच्छी बच्ची, पीलो पीलो पीलो, इसे जरा आराम करने दो। हाँ जा। अच्छा। इसे अंदर सुला देती हूँ। सब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अब कैसी है? अब थोड़ी सी ठीक है। उसे लगता है आप ही उसके पिता हैं, क्योंकि उसने बचपन से आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा। कहीं नहीं जाऊंगा, आराम से सो जाओ। सो जाओ बेटी, सो जाओ, कहीं नहीं जाऊंगा, सो जाओ। कहा ना पिताजी कहीं नहीं जाएंगे।
कौन है? सोचा था मैं मर के बहुना, काश ऐसा हो गया होता तो अच्छा ही होता। मेरे जाने के बाद एक बच्ची के साथ जिंदगी से जंग कब तक अकेले लड़ती? कोई तो सहारा चाहिए था ना, है ना? कभी कभी मैं सोचा करता था कि किस तरह से लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। अब मैं भी उन्हीं में आ गया हूं। सोचा नहीं था ऐसा होगा। जब मैं जेल में था तब मुझे ऐसी बातें याद आती थी कि तुम और मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अंदर कौन है ये मैं नहीं पूछूंगा, ऐसा करने से मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। बस एक बार मुझे मेरी बच्ची की सूरत दिखा दो। Oh,
क्या बात है? बच्ची को लेकर बाहर बैठी हो? वो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए बाहर आ गए। मैं बाहर ही रुकता हूँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ये चौखट पार नहीं करनी थी और आगे से करूंगा भी नहीं। चलोगे नहीं? एसिक थॉमस है सर। एसिक थॉमस का फोटो है सर। जेएनयू का स्टूडेंट है, पीएचडी भी की है। संगठन प्रमुख के मरने के बाद इसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। इसका नेटवर्क छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। आंध्रा में जो दो एमएलए को गोली मारी गई थी ना, उसके पीछे भी इसी आदमी का हाथ है। नेक्स्ट सुदेव सर। ये सुदेव है, एसिक का राइट हैंड है, ये भी जेएनयू से है। नेक्स्ट ये है रामा प्रसाद। सर ये रामा प्रसाद, एसिक और ये सुदेव, इन तीनों को ही तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया था। ट्रैक टीम, फॉलो फॉलो।
All men follow up. All men follow up. Move. सर रामा प्रसाद एनकाउंटर में मारा गया, फिर सुदेव और एसिक के बीच में थोड़ी अनबन हो गई। मामला इंटरनेशनल और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का होने की वजह से तेलंगाना पुलिस ने ये मामला हमें सौंप दिया। संयोग से एक सस्पिशियस कॉल की वजह से सुदेव को ट्रेस कर लिया गया, लेकिन सुदेव देश छोड़कर चला गया। पर एसिक पे हमेशा पुलिस की नजर थी। बट रिसेंटली सुदेव का किसी के पास कॉल आया। होम डिड ही कॉन्टैक्ट? सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। एसिक अपनी प्लान के लिए जिस आदमी से मिला वो सुदेव की जान पहचान का था। उस आदमी को नागाकोर के रास्ते में हम लोगों ने अरेस्ट किया। ठीक से पढ़ना, मैं आता हूँ। इधर आना जरा। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना? वेणु भाई को पता चल गया है। हाँ। कल किसी भी तरह तुम्हारे लिए बोट का इंतजाम करवा दूंगा मैं, समझ गया ना? चलता हूँ। ठीक है, तुम तैयार रहना। ओके, गुड जॉब सर। व्हाट अबाउट गौरी? इंटरोगेशन चल रहा है सर, वो हो चुका है। सर वो एसिक नहीं है, गौरी का पति खालिद है, जिसके बारे में हमें शक था कि वो मर गया है। सेनी नाम के आदमी के खून के जुर्म में जेल में सजा काट रहा था वो। सजा के बीच ही किसी ने उसकी बेल करवाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय ही खालिद ने ट्रेन से गिरकर खुदकुशी की थी, ऐसी खबर मिली थी हमें। सर खालिद का जमानत पे बाहर आने का प्लान था सर, और उसमें उसका साथ देने वाला विद्याकरण राममणि था सर। इस सब की वजह वही था सर। आई फील सो फनी इस तरह तुम लोगों के सामने खड़ा हूं। वी डोंट फील इट सो फनी। ओ मेरा वक्त बहुत कीमती है, पता है ना? रामानुज एसोसिएट, वहां सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल से लेकर नीचे तक तकलीफ में पड़ जाओगे। उसकी चिंता मत करो, ये तो हमारा काम है। आपको एक जानकारी देनी है, और वो जानने के बाद आप यहां से जा सकते हैं। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वो हमेशा अपनी आंखें खुली रखती है। हमारा संबंध सीएम से है। वो जो बंदर होता है ना, वो जब समंदर की गहराई नापने निकलता है तो उसका क्या होता है पता है ना? समंदर तो तूने देखा होगा, लेकिन उसकी गहराई आज दिखाता हूँ तुझे। अपना मुंह खोलेगा या तोड़ना शुरू करेगा? बताता हूँ सर, सर प्लीज बताता हूँ सर। हमें साफ साफ बताओ विद्याकरण राममणि के बारे में। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस गुनहगार को सजा देना मेरे जैसे लोगों का काम है, और उससे मुझे सुकून मिलता है, और इन सब काम के लिए आउट ऑफ द वे जाके मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। पैरोल पे छुड़ाना तो अलग बात है, लेकिन बाकी काम में भी मेरा साथ चाहते हो तो तुम्हें कुछ और भी करना होगा। कितना हुआ भैया? 300 रुपया सर।
जो खालिद है, where is he now? We have exact information from the jail. खालिद जिस दिन पैरोल पे बाहर आया था, उसी दिन रेलवे ट्रैक पर हमें एक बॉडी मिली थी। बस इतना ही नहीं, उस बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था कि ये आदमी कौन है। जो बॉडी मिली वो खालिद की है, ऐसा अनुमान लगाया हमने। इसका मतलब आपका ये अनुमान था, है ना? खालिद ही मरा है, इसका कोई सबूत नहीं है। अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन लोकल पुलिस ने तहकीकात की थी। उनकी दी हुई रिपोर्ट के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट के तौर पे मैं जो कर सकता था किया। एक बात समझ में नहीं आई, आपके पास रजिस्टर था, उसके बाद भी आपने चेक क्यों नहीं किया? आपको तो राइट्स है ना? चलते हैं। मैं रिटायर होने वाला हूँ, ऐसी जांच पड़ताल करके मेरी बदनामी मत कीजिए। खालिद को ढूंढने के चक्कर में हमने पूरा इंडिया घूम लिया। खालिद, खालिद, हमें तुमसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। गौरी के बारे में हमें तुमसे कुछ पूछना है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। खालिद, हमें सब कुछ सच बताओ। ठीक है सर। खालिद की जिस दिन बेल हुई थी, उसी रोज सेनई के आदमियों ने उसे बुरी तरह से जख्मी करके जंगल से जाने वाले एक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, और वहीं पास में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने जब खालिद को जख्मी हालत में देखा तो उसे उठाकर अपने साथ ले आए, और फिर उसके बाद उसका अपने तरीके से इलाज किया और उसकी जान बचाई। ठीक उसी दिन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मजदूर आदमी आत्महत्या करके अपनी जान गंवा चुका था। उस आदमी की बॉडी को ही खालिद के नाम पर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। महीने भर इलाज करने के बाद खालिद जब चलने लगा तो वो गौरी से मिलने के लिए वापस गया। केरला भूमि नाम के अखबार में एक ऐसी खबर लिखी हुई थी जिसको पढ़ने के बाद खालिद के बारे में पता चला। सर ऐसे कैसे इन सब के बीच में आया? सर एनकाउंटर से बचकर ऐसे अपने किसी जिगरी दोस्त से मिलने के लिए एक बोट में जा रहा था। बीच समंदर में वो बोट एक हादसे में डूब गई। उसकी भी सारी डिटेल्स है हमारे पास। सर उदिया प्राणम, उस अखबार का एडिटर, और उसकी पत्नी और सोशन थॉमस, इन सभी पर हमारी टीम की पैनी नजर थी, खासकर इनके कॉल रिकॉर्ड्स पर। ठीक 1 महीने पहले सोशन थॉमस के नाम से खरीदा गया एक सिम कार्ड। उस सिम कार्ड को इस्तेमाल करने वाला शख्स था सुदामन। उस पर बार बार जो फोन आया करता था उसमें सोशन के फॉरेन नंबर की भी पूरी लिस्ट थी। साइबर सेल की सहायता से उस नंबर को ट्रेस करके सुदामन को हमने लोकेट कर लिया था। नया भारत के नाम से अखबार चलाकर आप लोग जो भी काम कर रहे थे वो सारे काम हमारे सर्विलांस के अंडर में है। आप लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाता है उसका भुगतान उसे खुद करना पड़ता है, ये नहीं पता आपको? किसने भरपाई की आज तक, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। मुंह बंद करो अपना, अगर ज्यादा मुंह चलाओगी तो ठीक करना भी आता है। आप भी शांत हो जाइए। यू हैव टू कोऑपरेट विद अस। अरेस्ट करने के लिए आए हैं ना आप लोग? शाम होने के बाद औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। ये तो पता है ना आपको? वी विल वेट टिल सनराइज। सर ये गौरी जहाँ पर रहती थी उसका घर मुंडी गांव से कुछ दूरी पर था। वो जगह किसी रामू के पत्नी के नाम पर थी और पेपर भी सारे उसी के नाम पे थे सर। उसी के पास रस्सी का कारखाना था, गौरी वहीं काम करती थी। एसी के अरेस्ट होने के बाद गौरी को काम से निकाल दिया गया सर। लेकिन ये भी सच है कि एसिक को गौरी बिल्कुल नहीं जानती थी। सर हम ये जान के क्या करेंगे कि उसने जानबूझ के किया या अनजाने में? हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए। कॉल हर।
दुनिया के सामने मैं एक आतंकवादी ऐसे की पत्नी हूँ, और पुलिस की नजरों में एक आतंकवादी को पनाह देने वाली एक गुनहगार, अपने पति का विश्वास तोड़ने वाली एक पत्नी हूँ मैं। एक विधवा की जिंदगी जी रही थी मैं, सारा दिन यहां वहां दौड़ती हुई अपने पिता की राह देखने वाली बेटी के साथ। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, एक दिन अचानक से एक आदमी समंदर में बहता हुआ आया तो वो उसे ही अपना पिता मानने लगी। उसकी खुशी देखकर मैं भी उसे नहीं कह पाई कि ये तेरे पिता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान कौन है। पारों की खुशियां देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी मेरी बेटी की खुशियां और जीने का मकसद बनकर आया है, जिसे मैं मरा हुआ समझती थी। एक रात वो लौट कर आ गया। उस दिन मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं खूनी हूं, लेकिन मेरी वजह से जो पकड़ा गया और जिसे सजा मिली है वो मेरे पति हैं। किसी भी कोर्ट के सामने मैं गुनाह कबूल करके, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी बड़ी सजा मिले, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। गौरी, तुम जरा बाहर ठहरो, हम बुलाते हैं। सर, खालिद ही गौरी का पति है, ये तो क्लियर है, और सेनाई का खून उसने किया है, ये बात उसने खुद कबूल की है। ऐसी स्थिति में हम दोनों केस ओपन कर सकते हैं सर। देखो, एसआईटी के सामने गौरी एक आतंकवादी नहीं है, और इस मामले में उसके खिलाफ हमारे पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं। आयशक को उसने अनजाने में पनाह दी, बस उसकी सिर्फ इतनी सी गलती है। सर, ये खून का मामला है, अगर किसी औरत के पास इज्जत बचाने का कोई रास्ता ना हो तो वो खून कर सकती है, और यही सच भी है। सॉरी सर, लेकिन गुनहगार को कोर्ट ले जाकर पेश करना पुलिस का कर्तव्य है, उसके लिए रहम खाने की जरूरत नहीं है, अरेस्ट करते हैं। जोसेफ, गुनहगार को ढूंढकर उसके हाथ में हथकड़ी पहनाना ही हमारा काम नहीं है। जब गुनाह होता है तब उनकी मानसिक स्थिति और उनके हालात हमें उसे भी देखना चाहिए। वैसे भी आजकल वीमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। सर, खुद की इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाने वाली कोई भी औरत हो, कानून का काम उसको सजा दिलाना नहीं बचाना होता है। सर, सबूत के अभाव में न जाने कितने गुनहगार कानून की आंख में धूल झोंक कर बच जाते हैं एवरीडे। हमारा समाज भी उसी को अपमानित करता है जिसके साथ अन्याय हुआ है। अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते हैं। एक बच्ची को बाप का साया देना चाहा, गौरी का यही दोष है। तो आपका क्या निर्णय है सर? जैसा जोसेफ ने कहा था ठीक वैसे ही हम गौरी को अरेस्ट करते अगर सबूत होते तो, बट लेट हर गो फ्री। जिस उग्रवादी एसी को पुलिस ने अरेस्ट किया था, गौरी ने कबूल किया है कि उसके साथ उसके संबंध थे, लेकिन पुलिस ने गौरी को छोड़ दिया। वाइनर में जिस रत्नाकर सेनाई का खून हुआ था, उसकी खास खूनी गौरी नाम की उस शख्स को पुलिस ने छोड़ दिया है। आखिर उसको किस बिनार पर छोड़ा गया है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए काफी बहस हो रही है। अभी बताया गया कि गौरी बेगुनाह है, इस बात के पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन शतरंज के खेल में गौरी सिर्फ नाम के लिए गौरी नहीं बल्कि उग्रवादी गौरी है। उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। हालात किस तरह से एक भोले भाले इंसान को बदल कर रख देते हैं, गौरी इसकी मिसाल है, जिसकी जिंदगी की शुरुआत यहां से होती है।